नमस्कार जी। मैं आज अपने एन के तिवारी जी से मिलने आया था और बड़ा गदगद हुआ इनसे मिलके। आज से 2004 या 5 में मैं इनसे मिला, जब इन्होंने कुछ फंड्स वगैरह भी मेरे को लगवाया और मेरा बैड लक कह लो, जो मैं इतने सालों तक इनसे नहीं मिला। मगर ये कि आज मेरे को खुशनसीबी है जो इनके ऑफिस से कॉल आया, जो मैं इनसे जुड़ पाया, आज मैं इनके पास आया हूँ और बहुत अच्छा फीडबैक दिया इन्होंने मेरे को। अब मैं इनकी तारीफ तो क्या क्या करूँ, ये काफ़ी तारीफ नहीं कुछ हो रही है, ये पुरुष नहीं महापुरुष है मेरी नज़र में, तो बहुत बड़े आदमी है। आज मैं अपने बेटे को लेके आया हूँ जो आप इनसे बातचीत करवा रहा हो, और देखो उसका दिमाग कैसे करता है, ये कैसे खोलते हैं। मेरा तो उन्होंने बहुत जोश भरा था और बहुत अच्छा लगा और मेरे को फ़ायदा भी हुआ है। बस यही मैं इतना ही कह सकता हूँ इनके तिवारी जी के बारे में, शब्द मेरे पास यही है। नमस्कार दिनेश भैया, अपने सुपुत्र के साथ में 18 साल के बाद में आज हमारे ऑफिस में आए हैं और मिलने का मौका मिला है। त्रेता में और द्वापर में 14-14 साल का वनवास हुआ था, हमें 18 साल का वनवास दिया गया था। आज वो वनवास का समय पूरा हो गया, दिनेश भैया मिल गए हैं और साथ में बेटा को मिलवा दिए हैं। मन में वो प्रसन्नता है कि एक परिवार टूटा हुआ था, छूटा हुआ था, हमारा अपना परिवार हमसे बिखरा हुआ था, आज से फिर हम उस एक नई मोती में, नई माला में जुड़ गए हैं। इसलिए दिनेश भैया को और दिनेश भैया के सुपुत्र निखिल भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे जीते जी इन लोगों का जो फंड का साइज हो कम से कम 100 करोड़ का जरूर हो। भगवान को साक्षी मान के बात कहता हूँ। और एक फार्मूला हमने इनको बताया है एसेट और लाइबिलिटी कैलकुलेट करके देने का, और हमने इनको वचन दिया है कि 25 सालों में कम से कम 25 गुना आपका एसेट हम बनाएंगे, अगर मैं रह गया तो, और अगर मैं नहीं भी रहा तो 25 गुना से बढ़ के 50 गुना, 75 गुना और 100 गुना भी आपका होगा। धन्यवाद।